Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to discuss Horace's most famous work, that is Ars Poetica or Art of Poetry. So is Ars Poetica ka English translation hai Art of Poetry. Then it was written in a form of letter to a person. Friends, agar aap UGC NET English Literature ke liye prepare kar rahe hain, so ye question bhi pucha jata hai ki Horace ka most famous work jiska naam hai Ars Poetica, ye kis form mein likha gaya hai? So ye ek letter ki form mein likha gaya hai. It was written in a form of letter to a person. Then also note down this point, that first person who translated Ars Poetica into English was Ben Jonson. कि Ben Jonson ने Ars Poetica को English में translate किया था. Then Ars Poetica is modeled on Aristotle principle of literary criticism. Friends, मैंने आपको बताया था पिछले lecture में कि Horace जो है काफ़ी ज़्यादा Aristotle के work से inspired थे. So ये जो work है Horace का Ars Poetica, ये Aristotle के principle of literary criticism पर modeled है. मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट करूंगी कि ये जो वर्क है आर्ट्स पोएटिका जो कि Horace द्वारा लिखा गया है, ये वर्क जो है ये मॉडल्ड है एरिस्टोटल के प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर. देन दिस वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस ये क्वेश्चन भी UGC नेट में पूछा गया था कि आर्ट्स पोएटिका कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला पोएसिस. एंड ये पोएसिस क्या है कि जो पोएट्री के अंदर सब्जेक्ट मैटर होता है, सो पोएसिस जो है उससे डील करता है, विच डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर इन पोएट्री. देन पोएमा. पोएमा क्या होता है, इसका इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो फॉर्म ऑफ पोएट्री को हम पोएमा बोलते हैं. देन पोएटा. पोएटा क्या है, व्हाट मेक्स अ गुड पोएट, कि मतलब अच्छे एक अच्छे पोएट की क्या खासियत है, यानी क्या करेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक अच्छे पोएट को मतलब जिससे हम एसोसिएट कर सकते हैं एक अच्छे पोएट को. सो व्हाट मेक्स अ गुड पोएट, कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ है, यानी एक ऐसे क्या मतलब फीचर्स हैं जो कि मतलब जिससे हम एसोसिएट कर पाते हैं कि एक अच्छा पोएट कौन होता है. सो पोएटा वो होता है, व्हाट मेक्स अ गुड पोएट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पोएट. देन अब हम बात करते हैं पोएसिस के बारे में. सो पोएसिस क्या है, मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि इसमें जो है पोएसिस में हम बात करते हैं कि पोएट्री जो है किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड है. सो पोएसिस उससे डील करती है, टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट मैटर इन पोएट्री, कि पोएट्री किस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखी गई है. सो पोएसिस जो है उसके बारे में बात करता है. देन Horace says that poetry is not an imitation, कि Horace का ऐसा कहना है कि पोएट्री मतलब बाकी सारे क्रिटिक्स जो है वो बोलते हैं कि पोएट्री क्या है, एक तरह का इमिटेशन है. बट Horace जो है एक ऐसा क्रिटिक है जो बताता है कि पोएट्री जो है इमिटेशन नहीं है, यानी किसी चीज़ को कॉपी करना वो पोएट्री नहीं है, बल्कि पोएट्री एक क्रिएटिव प्रोसेस है. यानी पोएट जो है पोएट्री को क्रिएट करते वक्त अपने इमेजिनेशन से जो है पोएट अपनी एक पोएट्री क्रिएट करता है. सो ये एक तरह का क्रिएटिव प्रोसेस है, क्योंकि पोएट जो है इसमें क्रिएट करते वक्त अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर रहा है. देन गुड पोएट्री डज नॉट मीन्स स्लेविश कॉपिंग, कि एक गुड पोएट्री को हम ऐसे नहीं बता सकते कि मतलब आँख बंद करके सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर देना वो गुड पोएट्री नहीं है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन, कि एक गुड पोएट्री को जब हम क्रिएट करते हैं सो उसके साथ जो है रिक्रिएशन यानी एंटरटेन हमें करती है. अच्छी पोएट्री जो होती है वो हमें एंटरटेन करती है, अडैप्टिव होती है, यानी एडजस्टमेंट करती है, साथ ही साथ इवैल्यूएटिव होती है, कि मतलब कुछ भी मतलब पुराने में से जो है कुछ ना कुछ नया ऐड करके उसे यूनिक बनाना. सो Horace ऐसा कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी पोएट्री को हम जो है आँख बंद करके ब्लाइंडली सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर दिया, मतलब किसी दूसरी पोएट्री को देखकर कॉपी कर दिया, ये एक अच्छी पोएट्री की क्वालिटी नहीं है. बल्कि Horace कहते हैं कि गुड पोएट्री क्या है, एक प्रोसेस है, यानी एक प्रोसेस है जो कि मतलब इन्जॉयमेंट का प्रोसेस है, और साथ ही साथ अडैप्टिव है. अडैप्टिव इसलिए एडजस्टमेंट करता है, यानी गुड पोएट्री जो है टाइम टू टाइम जो है अडैप्ट करती रहती है.
और इवैल्यूएटिव है। इवैल्यूएटिव इसलिए क्योंकि हम जो है पुरानी पोएट्रीज में से कुछ नया ऐड ऑन करके जो है उसे यूनिक बनाते हैं। देन और साथ में अब हॉरिस बताते हैं कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंट मीन्स द एंटायर पोएम शुड बी गुड, कि एक अच्छी पोएम यानी एक अच्छी पोएट्री में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैपन एज इफ ओनली फ्यू लाइन्स आर गुड, कि एक अच्छी पोएट जो है जो कि मतलब पूरी एंटायर पोएम जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं लिखी जानी चाहिए कि उस एक अच्छी पोएम के अंदर कुछ लाइनें अच्छी बता दी और कुछ बुरी बता दी, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो जितने भी पोएट्रीज के अंदर हम लाइंस लिखते हैं अगर वो अच्छे नोट से शुरू हुई हो सो उसकी एंडिंग भी जो है अच्छी ही होनी चाहिए। सो कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंस मीन्स द एंटायर पोएम शुड बी गुड, कि जो पूरी पोएम जो है अच्छी ही होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैपन कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोएट्री के अंदर जो है हमने कुछ लाइनें अच्छी कर दी और कुछ बुरी कर दी। अगर पोएट्री है तो उस पूरी पोएम को ही मतलब जितने भी पोएम में लाइंस हैं वो सारी ही अच्छी होनी चाहिए। देन हॉरिस इंट्रोड्यूस्ड आवर टर्म पर्पल पैच। सो फ्रेंड्स इस पे मैं ऑलरेडी पर्पल पैच पे वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। सो हॉरिस ने जो है इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था पर्पल पैच को। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये भी UGC नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ही इंट्रोड्यूस अ टर्म पर्पल पैच व्हेन ही वॉज एक्सप्लेनिंग कंसिस्टेंसी, कि हॉरिस ने जो है इस टर्म पर्पल पैच को तब इंट्रोड्यूस किया था जब ये जो है हॉरिस कंसिस्टेंसी के बारे में मतलब रीडर्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, तब इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया था जिसका नाम था पर्पल पैच। सो पर्पल पैच इज़ ब्रिलियंट और ऑर्नेट पैसेज इन अ लिटरेरी कंपोजिशन अमिस्ट ऑफ मेडियोक्रेसी। सो पर्पल पैच में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्पल पैच में क्या होता है कि कोई लिटरेरी वर्क दे रख मतलब कोई भी मतलब पोएम्स के अंदर लाइन्स है सो उनमें पैसेजेस होते हैं, बहुत सारे कैंटोज होते हैं। सो उन पैसेजेस में जो है कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जिनको जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर दिया जाता है एडजेक्टिव्स मेटाफर्स इन सब का यूज़ करके। सो क्या होता है मतलब बहुत ज़्यादा जो है हम उसे डेकोरेटिव बना देते हैं मतलब एडजेक्टिव्स वगैरह इन सब का यूज़ करके जो है मतलब लैंग्वेज को जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बना देते हैं पोएम के अंदर। जब हम जिस भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो हम उसे बहुत ज़्यादा जब डेकोरेटिव बना देते हैं तो उसे पर्पल पैच बोला गया है। एंड इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले थे हॉरिस एंड इन्होंने तब इंट्रोड्यूस किया था जब इन्होंने कंसिस्टेंसी का रीडर्स को मतलब बताया था, तब इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। सो पर्पल पैच इज ब्रिलियंट और ऑर्नेट पैसेज इन अ लिटरेरी कंपोजिशन अमिडस्ट ऑफ मेडियोक्रेसी। देन इन अ पोएम विच इज़ एक्सट्रीमली मीडियोकर, कि मतलब जो पोएम जो कि मेडियोकर हो यानी मीडियम हो, इन दैट पोएम यू फाइंड ब्रिलियंट पैसेज दैट इज़ कॉल्ड पर्पल पैच, कि अगर आप कोई पोएम रीड कर रहे हो सो वो पोएम बहुत ज़्यादा मीडियम मतलब उसका जो लेवल है पोएम का बहुत मीडियम है और आप में आपने जो है उस पोएम को पढ़ने के बीच में एक ऐसे पैसेज को फाइंड आउट कर लिया हो जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो यानी उस पैसेज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब उस पैसेज की लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हो सो उसको बोला जाता है पर्पल पैच। लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड ऑलवेज बी हायर देन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, कि हॉरिस का कहना है कि जब भी पोएम के अंदर हम लैंग्वेज को चूज़ करते हैं वो लैंग्वेज जो है मतलब उसमें जो है ऐसी लैंग्वेज को चूज़ की जानी चाहिए जो कि कॉमन मैन जो है अपनी डे टू डे लाइफ में जो है यूज़ करते हो। सो वैसी वाली लैंग्वेज को नहीं यूज़ किया जाना चाहिए पोएट्री में। सो वो थोड़ी यूनिक लैंग्वेज का जो है यूज़ किया जाना चाहिए पोएट्री को क्रिएट करते वक्त। सो मतलब जिसका लेवल थोड़ा हाई हो जो कि डे टू डे लैंग्वेज मतलब लाइफ में यूज़ नहीं होती हो। लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड ऑलवेज बी हायर देन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, कि ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए पोएट्री की जो कि हायर हो। हायर इन टर्म्स का मतलब ये कि जो यूनिक हो, यूनिक स्टाइल हो यानी इजी और अंडरस्टैंडेबल तो हो बट यूनिक हो, उसे जो है डे टू डे लाइफ में मतलब यूज़ नहीं किया जाता हो, ऐसी लैंग्वेज को जो है पोएट्री को क्रिएट करते वक्त यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे सम गुड वर्ड्स एलिवेटेड लैंग्वेज, कि
अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना पोएट्री के अंदर, अच्छे यानी मतलब इजी वर्ड्स का, और थोड़े यूनिक हो वैसे वर्ड्स का, एलिवेटेड लैंग्वेज हो, एनालॉजिकल लैंग्वेज हो, यानी एनालॉजिकल यानी सिमिलर लैंग्वेज हो, यानी लोग जो है मतलब उन वर्ड्स को जो है ईजिली अंडरस्टैंड करके उसकी लैंग्वेज को ग्रैप कर सके, इस टाइप की लैंग्वेज होनी चाहिए। सम गुड वर्ड्स एलिवेटेड लैंग्वेज हो, एनालॉजिकल लैंग्वेज हो, इज अ लाइक अ ट्री एंड वर्ड्स लाइक लीव्स, कि लैंग्वेज जो हो वो ट्री की तरह हो, और मतलब वर्ड्स जो हो और पोएम के अंदर जो जिस वर्ड्स को हम चूज़ करते हो, तो हमें जो है पोएट्री को क्रिएट करते वक्त जो है जिन भी वर्ड्स को हम पोएट्री में मेंशन कर रहे हों, तो हमें बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, सेलेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तभी मैंने इस स्लाइड में ये मेंशन किया है कि एनालॉजिकल लैंग्वेज इज़ लाइक अ ट्री एंड वर्ड्स लाइक लीव्स। देन वर्ड्स विदर एंड डाई एवरी ईयर एंड इट विल बी सक्सीडेड बाई न्यू वर्ड्स, कि हमें पता है कि वर्ड्स जो है कुछ टाइम बाद, यानी जैसे जैसे मतलब फैशन हमेशा जो है मतलब चेंज होता रहता है, सो उसी के साथ क्या होता है कि वर्ड्स जो है हमेशा मतलब जो है नए आते रहते हैं, जो ओल्ड वर्ड्स होते हैं उनका जो फैशन है वो कम होने लगता है धीरे धीरे, एंड नए वर्ड्स जो है पुराने वर्ड्स की जगह पे आकर मतलब उनका जो है फैशन ज़्यादा हो जाता है। वर्ड्स विदर एंड डाई एवरी ईयर एंड इट विल बी सक्सीडेड बाय न्यू वर्ड्स, कि हर टाइम जो है वर्ड्स आते रहते हैं, नए नए वर्ड्स मतलब आते रहते हैं, दे कम एंड गो एवरी ईयर, कि हर साल जो है नए वर्ड्स आते हैं और चले जाते हैं। अ पोएट कैन कॉइन न्यू वर्ड्स एंड कैन रिवाइव ओल्ड वर्ड्स, कि एक पोएट ही ऐसा इंसान है जो कि नए वर्ड्स को कॉइन करता है एंड साथ ही साथ ओल्ड वर्ड्स को जो है रिवाइव करता है, बट इट शुड बी डन इन डिस्क्रिशन, कि ये सब जो है डिस्क्रिशन में होना चाहिए, यानी एक लिमिट में होना चाहिए, कि एक पोएट को जो है ओल्ड वर्ड्स को रिवाइव करना है और साथ ही साथ नए वर्ड्स को कॉइन करना है, सो ये सारा जो है एक लिमिटेड सेंस में होना चाहिए, डिस्क्रिशन में होना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन दैट यू आर यूजिंग हायर लैंग्वेज इन पोएट्री, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए पोएट्री को लिखते वक्त कि आप जो है बहुत मतलब जार्गन टाइप की लैंग्वेज यानी हैवी वर्ड्स अपनी पोएट्री में यूज़ करते हो, सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विच विल गिव यू एनफ लेवरेज, कि अगर आप जो है आपको ऐसा लगता है कि आप जिस पोएट्री को क्रिएट करोगे अगर आप उसमें हाई लैंग्वेज का मतलब एकदम यूनिक लैंग्वेज का यूज़ करोगे, सो आपको मतलब आपको ऐसा लगता है कि सो हॉरिस इस लाइन से ऐसे बोलना चाहता है कि जब भी हम पोएट्री के अंदर लैंग्वेज यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो। सो अगर आप हाई लैंग्वेज ये समझ के यूज़ करोगे कि इससे मतलब हाई लैंग्वेज को यूज़ करके हमारी पोएम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम पोएट्री के अंदर एक्सेप्शनल वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो हमारी पोएम जो भी हम पोएट्री क्रिएट करते हैं सो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। सो हमें जो है पोएट्री में इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए जो कि मतलब जिसे पढ़कर जो है लोग अंडरस्टैंड कर पाए, जो कि रीडेबल हो, इजीली लोग जो है हमारी पोएट्रीज में जो भी हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं सो वो सारे सेलेक्टिव होने चाहिए, जो कि हम इजीली जिन्हें रीड कर सकें और साथ ही साथ रीडर्स जो है उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देन मॉडरेशन शुड बी एक्सरसाइज इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हों सो वो जो है मॉडरेट हों, यानी मीडियम वर्ड्स का यूज़ किया जाना चाहिए। मॉडरेशन शुड बी एक्सरसाइज इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि जो भी वर्ड्स जो हम चूज़ कर रहे हैं पोएट्री के लिए वो बिल्कुल मॉडरेट हों, यानी मीडियम लेवल के हों। एंड इन इमेजिनेशन, जो भी हम अपनी इमेजिनेशन में जिन भी वर्ड्स के लिए मतलब सोचते हैं कि इसे हम अपनी पोएट्रीज में लिखेंगे सो वो मीडियम होने चाहिए। यू शुड नेवर इमेजिन समथिंग सो एक्सट्रीम और डिफरेंट, कि आप जो है इस तरह से मत इमेजिन करो। हॉरिस का ऐसा कहना है कि आप जो है चीज़ों को इस तरह से मत इमेजिन करो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में हो, बहुत ज़्यादा मतलब
अति ज़्यादा हो, या फिर आप ये चीज़ों को मत इमेजिन करो जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, जिससे जो है लोग कनेक्ट ना कर पाएँ। आप ऐसी चीज़ों को अपनी पोइट्रीज़ में इंक्लूड करो जो बहुत ज़्यादा, मतलब ना ज़्यादा कॉमन हो और ना ज़्यादा डिफरेंट हो, सारी मीडियम हो, सो जिससे जो है लोग अपने आप को, मतलब पोइट्री रीड करते वक्त उस पोइट्री से जो है अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। सो इस तरह से जो है पोइट्री को क्रिएट किया जाना चाहिए। अ जॉनरा शुड स्टिक टू इट्स मीटर, कि जो भी पोइट्री का जॉनरा हो, सो मीटर भी जो है उस जॉनरा से मैच करता हुआ होना चाहिए। जैसे अगर एपिक है तो हमें जो है एपिक में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ करना है। अगर ट्रेजेडी है तो उसमें हमें आयम्बिक वर्स यूज़ करनी है। अगर हम किसी चीज़ पोइट्री के अंदर किसी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं तो हमें जो है एलिजियाक वर्स का यूज़ करना चाहिए। देन अब हम बात करते हैं पोएमा के बारे में। सो पोएमा को जो है इंग्लिश में फॉर्म बोला जाता है। विच एवर वर्क यू आर राइटिंग इट शुड बी बेस्ड ऑन ओल्ड फैमिलियर स्टोरीज, कि जो भी आप वर्क लिख रहे हो सो वो जो है बेस होना चाहिए ओल्ड स्टोरीज से, कुछ ना कुछ उस वर्क का, यानी आप जिस भी वर्क को क्रिएट कर रहे हो सो आपके उस वर्क में जो है मतलब पिछली स्टोरीज से, यानी मतलब आप अपने वर्क में जो है ऐसी चीज़ों को मेंशन करो जो कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो, ओल्ड स्टोरीज़ हो, और वो लोग जो है अपने आप को जो है इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, यानी ओल्ड फैमिलियर स्टोरीज़ हो, यानी पुरानी जानी मानी स्टोरीज़ को जो है आप अपने वर्क में मेंशन करो ताकि लोग जो है आपके वर्क को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। इट शुड स्टार्ट विद मीडिया रेस, कि किस तरह से जो है मतलब आप अपने वर्क को शुरू कर सकते हो मीडिया रेस से। सो मीडिया रेस क्या है? इन मिडल ऑफ थिंग्स वॉट एवर यू आर राइटिंग इट शुड रिप्रेजेंट ऑन स्टेज, कि जो भी आप लिख रहे हो सो आप इस तरह से लिखो जिसे स्टेज पर जो है हम इजीली रिप्रेजेंट कर सके। यू शुड हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट टू रिप्रेजेंट, कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो कि मतलब किस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट किया जाए ऑन स्टेज पे एंड किस चीज़ को जो है ऑडियंस को रिपोर्ट किया जाए। सो यू शुड हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट टू रिप्रेजेंट ऑन स्टेज एंड व्हाट टू रिपोर्ट टू द ऑडियंस। अगली एंड ईविल सीन वुड हैपन ऑफ स्टेज, कि जो अगली सीन्स हो या फिर ईविल सीन्स हो सो उन्हें जो है ऑफ स्टेज पर दिखाया जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, ऐसे सीन्स को जो है स्टेज पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। पीपल विल बिकम टेंस इफ़ सच अ सीन हैपन इन फ्रंट ऑफ देम, कि अगर लोगों ने ईविल या फिर अगली सीन मतलब स्टेज के सामने देख लिए तो उन्हें उनके माइंड में जो है ऑडियंस के मन में जो है एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। सो पीपल विल बिकम टेंस इफ सच अ सीन हैपन इन फ्रंट ऑफ देम। अ ड्रामा शुड नॉट हैव मोर देन 5 acts, कि एक ड्रामा के अंदर जो है 5 acts से ज़्यादा एक्ट नहीं होने चाहिए। एंड शुड हैव नो मोर देन 3 characters, और उस ड्रामा के अंदर जो है 3 से ज़्यादा करेक्टर्स मतलब एक सीन में नहीं दिखाए जाने चाहिए। देन गॉड शुड ओनली इंटरवीन वेन नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड आप जिस ड्रामा को क्रिएट कर रहे हो सो उसमें जो है गॉड को अगर आपको दिखाना है कि गॉड जो है ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं सो आप तभी दिखाओ जिस टाइम पर जो है ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम आ गई हो और गॉड जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हों। सो गॉड शुड ओनली इंटरवीन व्हेन नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जब एकदम जो है ह्यूमन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए तभी गॉड को जो है हमें दिखाना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। बाय पनिशिंग द विकेड, एंड गॉड को जो है इस तरह से दिखाया जाना चाहिए कि गॉड जो है ईविल लोगों को पनिश कर रहे हैं एंड अच्छे लोगों को प्रेज कर रहे हैं। जब ज़रूरत हो तभी ऐसी चीज़ दिखानी चाहिए। गॉड शुड ओनली इंटरवीन व्हेन नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय पनिशिंग द विकेड एंड प्रेजिंग द गुड पीपल ओनली व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। देन अब हम बात करते हैं पोएटा के बारे में। सो अ पोएट शुड ओनली पब्लिश अ पोएम आफ्टर कीपिंग इट फॉर 10 years, कि मतलब पोएट है उसने जो है पोएम को मतलब अपने वर्ड्स में क्रिएट कर लिया, अब पब्लिश करने की जब भी बारी आए तो उसे जो है काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करके करने के बाद जो है अपनी पोएट्री को पब्लिश करना चाहिए बहुत टाइम बाद, और उसे जो है कंटिन्यूसली रिवीजन करते ही रहनी चाहिए। और
पोएट जो है एकदम से जैसे ही उसने पोएम को क्रिएट किया है सो एकदम से वो पब्लिश नहीं कर सकता। इस सेंस में लिखा गया है अ पोएट शुड ओनली पब्लिश अ पोएम आफ्टर कीपिंग इट फॉर 10 ईयर्स। अ पोएट शुड नॉट डायरेक्टली पब्लिश अ पोएम, कि एक पोएट को जो है डायरेक्टली जैसे ही उसने अपनी पोएम को क्रिएट कर ली हो वैसे ही उसे पब्लिश नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी जो है पब्लिश नहीं करना चाहिए। बिकॉज अवर व्यूज़ कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि हमारे व्यूज़ जो है डायनेमिक होते हैं, वो हर टाइम जो है चेंज होते रहते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ। सो अगर हमारा मन करता है कि हम अपनी पोएट्री के अंदर कुछ चेंजेस कर सकें, जैसे हमारे व्यूज़ चेंज होते रहते हैं तो हम जो है अपनी पोएट्री में उस हिसाब से जो है चेंजेस करते रहते हैं। इस तरह से जो है हमें पोएट्री को क्रिएट करते रहना चाहिए, हमें जो है एकदम से पब्लिश नहीं करना चाहिए किसी भी पोएम को, क्योंकि हमारे व्यूज़ जो है हर टाइम चेंज होते रहते हैं और हर टाइम चेंज होंगे तो हम जो है पोएट्री में कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करते रहेंगे। इसलिए जो है हमें इतनी जल्दी पब्लिश नहीं करना चाहिए। द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ टू टीच मोरल वैल्यूज़, और जो भी आप पोइट्री को क्रिएट करो तो उसका मतलब मेन फंक्शन क्या होना चाहिए कि आप जो है मतलब अपनी ऑडियंस के मन में जो है कुछ मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट कर सको एंड साथ ही साथ जो है उनके अंदर प्लेजर की फीलिंग को जो है इवोक कर सको। आपकी पोएट्री का फंक्शन ये होना चाहिए, जब भी आप पोएट्री को क्रिएट करो तो आपकी पोएट्री जो है कुछ ना कुछ मोरल वैल्यू दे और साथ ही साथ प्लेजर प्रोवाइड करे। देन हॉरिस ने एक वर्ड यूज़ किया है, ड्यूल्स एट यूटाइल। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ड्यूल्स एट यूटाइल। सो प्रॉफिट कंबाइंड विद डिलाइट। पोएट्री शुड बी स्वीट एंड यूज़फुल, कि पोएट्री जो भी आप पोएट्री क्रिएट कर रहे हो वो उसमें मिठास होनी चाहिए एंड उसमें जो है वो यूटिलिटी यानी कुछ ना कुछ मतलब यूज़फुल हो यानी मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट कर सके। इस सेंस में जो है यूज़फुल होनी चाहिए, आपकी पोएट्री के अंदर मिठास भी होनी चाहिए और साथ ही साथ यूज़फुल हो लोगों के लिए, लोग जो है पढ़कर उसको जो है अपने आप से कनेक्ट करके कुछ ना कुछ जो है अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर सके, इसलिए जो यूज़फुल हो। पोएट्री के साथ साथ डिलाइट भी होना, प्रॉफिट के साथ साथ डिलाइट भी होना चाहिए यानी प्लेजर भी होना चाहिए। देन हॉरिस कंपेयर्स आर्ट और पोएट्री विद पेंटिंग, कि मैंने आपको बताया था कि आर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग नहीं होती है, उसके अंदर लिटरेरी वर्क्स होते हैं, म्यूज़िक होता है, पोएट्री होती है। ये सारे आर्ट है एक तरह की। हॉरिस जो है आर्ट या फिर पोएट्री को पेंटिंग से कंपेयर कर रहे हैं। यूथ पिक्चरा पोएसिस, यूथ पिक्चरा पोएसिस का मतलब क्या है कि ही सेज पोएट्री एंड पेंटिंग आर सेम, कि हॉरिस का कहना है कि पोएट्री और पेंटिंग जो है लगभग सेम है। देन माइनर फॉल्ट्स इन पोएट्री मे बी फॉरगिवन, कि जो भी माइनर फॉल्ट्स हैं यानी छोटे मोटे फॉल्ट्स जो हैं गलतियां जो हैं उसे जो है भूल जाना चाहिए। यू शुड नॉट बी वेरी क्रिटिकल, पोएट्री में जो है ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हमें होना चाहिए, क्योंकि हम जो है पोएट्री को लिख रहे हैं ना कि उसे एनालाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर रहे, हम जो है पोएट्री को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्रिएशन जो होना चाहिए वो क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट द मोस्ट ओरिजिनल नॉट द मोस्ट इंस्पायर्ड ऑफ द पोएट, कि मैं जो हूँ और मेरे अंदर जब भी पोएट्री मैं क्रिएट करूँ तो मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि ये जो मैं पोएट्री क्रिएट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ जो है मतलब मेरे पोएट्री के अंदर ओरिजिनलिटी है। ओरिजिनलिटी तो कभी नहीं होती, हम जो है कुछ ना कुछ पोएट्री को क्रिएट करते वक्त जो है मटेरियल जो है दूसरे सोर्सेज से लेते हैं तो हम ओरिजिनल तो बिल्कुल नहीं होते। आई एम नॉट द मोस्ट ओरिजिनल और ना ही मैं जो है बहुत ज़्यादा किसी दूसरे पोएट से इंस्पायर हूँ। इस तरह की मेरे माइंड में जो है पोएट्री को क्रिएट करते वक्त फीलिंग होनी चाहिए, ऐसा हॉरिस का कहना है। ही इज़ डूइंग सेल्फ मॉकरी, कि इस आर्ट्स पोएटिका को लिखते समय जो है हॉरिस जो है अपने आप का ही मजाक उड़ा रहा है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर UGC NET इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।